अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर पिछले 11 दिनों से शिक्षक भर्ती लेवल 1 की नियुक्ति को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। और फिलहाल यहां पर NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़ भी हमारे साथ मौजूद है। लगातार पिछले 11 दिनों से इनका प्रदर्शन जारी है और लगातार ये शहीद स्मारक पर लेवल 1 की नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, पिछले 11 दिनों से शिक्षक भर्ती लेवल 1 की नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार चोर है, स्टूडेंट्स की सुध नहीं ले रही है। देखिए आप, सरकार को बने 3 महीने नहीं हुए हैं, शहीद स्मारक पे भीड़ लग गई आंदोलनकारियों की। सरकार कर क्या रही है, सबको बेरोजगार कर दिया, 5,000 लोगों को जो है उधर बेरोजगार कर दिया। ये L1 के साथ ही बैठे हैं, कागजों में दिखा रहे हैं कि हमने 19,000 लोगों को जो है ज्वाइनिंग दे दी, जबकि ये 19,000 लोगों में से 15,000 लोगों को ज्वाइनिंग दी है और ये बाकी जो बचे हुए वो लोग हैं, और सरकार झूठ बोल रही है। कागज़ हम लोग साथ लेके बैठे हैं, तो सरकार निहायत ही पता नहीं चला कौन रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को इतना ज़्यादा हावी कर दिया है सरकार ने कि ये जब बच्चे जाते हैं तो इनको पता नहीं किन किन नामों से अपशब्द कह के जो है इनको संबोधित किया जाता है। तो सरकार को डूब मरने वाली स्थिति है कि आप 3 महीने आप नहीं बने और चारों तरफ पूरे राजस्थान में हाहाकार मच गया है। इन युवाओं की सुध लो, नहीं ये युवा जो है सरकार को उखाड़ के फेंक देगा और हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, हम नए नौजवान आ गए हैं। तो सरकार ही सुन ले हमारी बात कान खोल। आज बजट में सरकार के द्वारा 70,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा की, उसको लेकर 15 लाख नौकरियाँ, 2 करोड़ रुपये, मतलब 15 लाख रुपए की हाँ खाते में देने की, 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो तो हुआ नहीं। अब इनका कोई बजट आ जाए वो सब जुमले होते हैं, तो ये दिखाने के कुछ हैं और कहने के कुछ हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। बजट तो हम लोग बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है ना समझते हैं कि वो क्या बजट देंगे, वो किसके लिए बजट देंगे और कैसा बजट देंगे, तो उस पर चर्चा ही नहीं है। आप देख लेना कल पूरा, पिछले 11 दिनों से इनका प्रदर्शन जारी है, आप कब तक इनके साथ? मैं तो जब तक नहीं होंगे जब तक हम साथ हैं। पूरा बैठाया हमने, पुलिस भगा रही थी इनको, मैंने हमारा हक है, दायित्व हमारा संवैधानिक दायरे में रह के आंदोलन करना, हम बैठे हैं यहाँ पे, तो हम लोग तो साथ में। NSUI पूरी ताकत देगी इन लोगों को, जो भी पीड़ित है NSUI उसके साथ खड़ी है। देखिए हमारे साथ विनोद जी जाकर थे, जो लगातार पिछले 11 दिनों से लगातार शिक्षक भर्ती लेवल 1 की नियुक्ति की मांग को लेकर यहां पर इन धरनार्थियों के साथ डटे हुए हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 11 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई आश्वासन? जी सर नमस्कार, मेरा नाम सुरेश सिन्हा है और मैं नागौर से आया हूँ। सर आप देख रहे हैं जैसे कि हम यहाँ पे लगातार 11 दिनों से धरने पे बैठे हैं ताकि सरकार को पता चले कि हाँ ये शिक्षक है और वो शिक्षक है जो जिनका अभी स्कूल में होना था और वो यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं। ठीक है, अभी आपको पता है जैसे कि फाइनल मतलब बच्चों के एग्ज़ाम भी नज़दीक में है, उसे में बच्चों का जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है और हम यहाँ पर जो शिक्षक जो चयनित हो चुके हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे तक जिसकी हमें नियुक्ति दो, जबकि हम एक पेपर पास करके आए, हम ऐसे नहीं आए हैं, हमने पेपर पास किया है, जो पेपर जो नियुक्त हो चुके टीचर्स लोग जो शिक्षक गण उन्होंने जो पेपर पास किया था वही पेपर पास हम करके आए हैं, लेकिन वो ज्वाइन कर चुके हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, सरकार से मांग करें कि हमें को भी नियुक्ति दो। तो सर हम बार बार सरकार के पास में जाते हैं, हमारा डेलीगेशन जाता है, तो सरकार से बस यही एक आश्वासन दिया जाता है कि हाँ आपका काम होगा, लेकिन एक्चुअली में जब काम होने की बारी आती है, जब डेट आती है कोर्ट में सुनवाई की, तब हमारा पक्ष बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखा जाता है, बार बार ताकि इससे बार बार कोर्ट आगे की डेट दे देता, तो हम सरकार से यहाँ पर धरने पर बैठ के यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो हमको नेक्स्ट डेट मिली है उस पर हमारी पैरवी मजबूती से पैरवी करवा के हमें न्याय दे। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो निदेशालय है वो ये कह रहा है कि हमने 21,000 में से 19,000 को ज्वाइनिंग दे दिए, नौकरी दे दिए, जबकि हम 4,000 यहाँ पे सर धरने पे बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तो अधिकारियों की लापरवाही है और कहीं ना कहीं मतलब सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और हम तो यहाँ पे साढ़े चार महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब ज्वाइनिंग मिले, जबकि वहाँ के जो निदेशालय के अधिकारी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपको नियुक्ति दे दी है हमने। ठीक है, तो ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ में न्याय करें, हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे, यथास्थिति को हटा के। धन्यवाद। ये तमाम अभ्यर्थी रीट लेवल शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, वो लगातार पिछले 11 दिनों से लगातार इनका प्रदर्शन जारी है, लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 11 दिनों से लगातार आपका नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन जारी है, क्या सरकार की तरफ से कोई आपका लिए ठोस कदम? अभी तक सरकार की तरफ से कोई मतलब नहीं आया इस प्रश्न बारे में, सरकार तो ये खुद भी आज न्यूज़ में आ गया है कि हमने 19,431 को पोस्टिंग दे चुकी है, परंतु वास्तविक पोस्टिंग तो 15,500 को दी है, बाकी वाले तो हम यहाँ बैठे, तो हम इस यहाँ क्यों बैठे हैं?
नियुक्ति होती तो हम यहाँ क्यों बैठते? मैं जैसलमेर से हूँ। देखिए, प्रदेश भर के तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर महिला अभ्यर्थी भी मौजूद है, लगातार हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले 11 दिनों से लगातार आप धरना स्थल पर मौजूद है, सरकार से आपकी नियुक्ति की लेकर कोई बात बनी? देखिए, हमारा डेलीगेशन हर दिन बोर्ड सचिवालय और मंत्रियों से मिलने जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। वो लोग कहते हैं कि कोशिश करेंगे, पर कोशिश तो पिछले 2.5 महीने से कर ही रहे हैं, पर ये कोई नहीं कहता कि आपका काम करवाएंगे। हम चाहते हैं कि एजी साहब को कोर्ट में भेजा जाए ताकि वो हमारी पैरवी करे, लेकिन ऐसा भी कहीं अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है कि उन्हें भेज दिया जाएगा। और कागजों में भी कार्य निदेशालय की ओर से एक पत्र निकला है, उसमें बताया गया है कि 21,000 में से 19,000 को नियुक्ति दे दी है, जबकि असल में तो ऐसा है ही नहीं, हमें नियुक्ति दी नहीं है और कागज में उन्होंने मान भी लिया। पता नहीं प्रशासन या अधिकारी और सरकार किस नींद में सोए हुए हैं कि इन्हें हमारी इतना पीड़ा दिखती है, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी चिंता इनको नहीं दिखती, और हमें सिर्फ यहाँ इन्होंने दर दर भटकने के लिए और मजबूर कर दिया। अब हमारा धैर्य भी हमारा साथ छोड़ रहा है। कब तक प्रदर्शन? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक रहेगा, क्योंकि हमारी मांग बिल्कुल सही है, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, और इसके लिए भले हमारी जान भी चली जाए लेकिन ये लड़ाई तो जारी रहेगी। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं, लगातार इनका कहना है कि जब तक इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती तब तक इनका प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 11 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, लगातार ये अभ्यर्थी पिछले 11 दिनों से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर जुड़े हुए हैं, लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश। सर, पिछले 11 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, सरकार या शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई बात बनी आपकी? सर, अभी तो हमको आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आपको 13 तारीख को अच्छे से पैरवी करा के यथास्थिति हटा देंगे, बाकी पता नहीं, इतनी तारीखें तो बहुत निकल चुकी है, आगे भी देखते हैं 13 तारीख को क्या होता है। जबकि कल एक आदेश निकला था उसमें 19,000 के समथिंग बोल रहे थे कि नियुक्तियाँ दी जा चुकी हैं, तो फिर हमको अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं दी? देखिए, तमाम अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती लेवल 1 से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष 21,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक पदों पर सरकार की तरफ से नियुक्ति दे दी गई है, और लगातार ये अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पर पिछले 11 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, सरकार से कोई आपकी बात? अशोक पटेल नाम है, मैं बांसवाड़ा से हूँ। सर, 4 महीने से धक्का खा रहे हैं, गांव वाले जीने नहीं दे रहे हैं। गांव से निकलते हैं तो गांव वाले हमारे चयन पर संशय मनाते हैं कि तुम्हारी डिग्री फर्जी, सरकार ने तुमको बाहर निकाल दिया। मेरे 195 नंबर हैं, 172 वाला आज स्कूल में है, 195 वाला आज जयपुर धरने पर खड़ा है। घर वाले जीने नहीं दे रहे, गाँव वाले जीने नहीं दे रहे, उससे परेशान होकर आज 10 दिन हो गए मैं ठंड में पड़ा हूँ। सर, सर किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है? बहुत यहाँ ठंड से, मैं बांसवाड़ा से आया हूँ। सर, बांसवाड़ा से आए हुआ, हम इतने दूर से आए, न तो हमारे यहाँ खाने पीने की व्यवस्था हम कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना बजट भी नहीं है हमारे पास, हम गरीब परिवारों से है सर, और ये सरकार की उदासीनता है कि हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। यथास्थिति तुरंत से तुरंत बहाल हो, जिससे हम लोगों को थोड़ी राहत मिले और हम हमारे स्कूलों में जाए। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, और लगातार सरकार से इनकी एक ही मांग है कि जो इनका मामला कोर्ट में चल रहा है उसमें, जो आने वाली हाई कोर्ट में सुनवाई है उसमें सरकार की तरफ से अच्छी ढंग से पैरवी करके यथास्थिति को बहाल कर इनकी प्रक्रिया शुरू की जाए। लगातार ये अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष 21,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें 15,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया दे दी गई है, लेकिन 6,000 पदों पर अभी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 11 दिनों से आपका लगातार प्रदर्शन जारी है, सरकार या शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई आश्वासन? हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। जब भी जाते हैं, जब मंत्री और शिक्षा सचिव सब ऐसे ही बोलते हैं कि हम पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक हमारे कोई आश्वासन नहीं मिला है। कहाँ से आए हैं? मालवर से आया हूँ। कब तक प्रदर्शन? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती जब तक रहेगा। आप कहाँ से? मैं जयपुर से हूँ सर। सरकार से क्या मांग? सरकार से ये मांग है कि जो हमारी भर्ती पर जो स्टे लगा हो उसको हटाओ जल्दी से, और जो बेरोजगार है उनको रोजगार दो,
कितने दिन हो गए परेशान होते हुए, अभी 10 दिन हो गए धरना चलते हुए, लेकिन अभी तो कोई सोल्यूशन नहीं है। मंत्रियों के पास जाते हैं, मंत्री बोलते हैं कि आश्वासन है कि हाँ देंगे, नए एजी से पैरी हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सरकार को समझना चाहिए, अब तो लोकसभा के चुनाव भी आने वाले, फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर से बाद में नगर निगम के आचार संहिता, युवा कब तक भटकेगा। देखिए, तमाम सैकड़ों अभ्यर्थी पिछले 11 दिनों से लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 11 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, शिक्षा मंत्री या बोर्ड के किसी अधिकारी से आपकी आश्वासन मिला कोई? हाँ, डेलीगेशन रोज जा रहे हैं, यहाँ से शिक्षा विभाग के पास भी जा रहे हैं, मंत्री जी के पास भी जा रहे हैं, और यहाँ से कर्मचारी चयन बोर्ड भी जा रहे हैं, और आज हमारा एक डेलीगेशन है वो बीकानेर निदेशालय भी गया है। सर, कब तक प्रदर्शन जाएगा? प्रदर्शन जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो जाती, कार्यग्रहण नहीं हो जाता, तब तक ये प्रदर्शन है वो अनवरत रूप से चलता रहेगा। देखिए, तमाम सैकड़ों अभ्यर्थी पिछले 11 दिनों से लगातार शहीद स्मारक पर अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष 21,000 पदों पर शिक्षक भर्ती लेवल 1 की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, जिसमें 15,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति सरकार की तरफ से दे दी गई है, लेकिन 6,000 पदों पर अभी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है, जिसको लेकर पिछले 11 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन जारी है। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी संजय शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।